हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख रहे हैं खान कोहली ब्लॉग। तो मैं शादाब खान आज आ चुका हूं मुंबई में सिद्धि मोहल्ले के इलाके में। हजरत बाबा को रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में उर्स पाक मनाया जा रहा है। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह पूरा मैं आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख रहे हैं खान कोहली ब्लॉग। तो आज मैं आ चुका हूं मुंबई की सरजमी पे हजरत गौर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका उर्से पाक चालू होने वाला है, तो आज उनका उर्से पाक मनाया जा रहा है। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह संदल निकल चुका है। तो क्या कैसा माहौल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डोंगरी दरगाह पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हजरत सैयद हाजी अब्दुल रहमान शाह सरकार की बारगाह में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये पूरे इलाके में घूमेंगे पूरा संदल लेकर के। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग चिल्लर रूम के इलाके में आ चुके हैं। तो अभी क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो अभी पूरे इलाके में संदल घूम रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह की तरफ। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों के भी इलाके में कोई दरगाह है या किसी दरगाह का उर्से पाक चालू हो चुका है तो आप लोग मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अज़ वज़ल मैं उधर पे जरूर आऊँगा। और अगर आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो उधर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं उधर आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस फाइनली हम लोग दरगाह शरीफ की गली में पहुंच चुके हैं। अभी क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस फाइनली हम लोग दरगाह शरीफ पे पहुंच चुके हैं। अभी हजरत की बारगाह में ये सब ताज पेश किए जाएंगे जिनका नाम है हजरत बाबा गौर रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो क्या कैसा माहौल रहेगा मैं आप लोग बताऊंगा गाइस। तो वीडियो का एंड तक बने रहेगा जब तक आप लोग जियारत कीजिए दरगाह की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज का क्या कैसा माहौल है। मौला हुसैन का सदका, मौला अब्बास का सदका, मासूम अली असगर का सदका, आशिक रसूल हजरत बिलाल का सदका, आशिक रसूल हजरत अबू इश्क़ रहमतुल्लाह का सदका, फिराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादर जेलानी महबूब सुभानी का सदका, सदका मेरी सरकार का सदका, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज
अब वीडियो खाइयो, अभी नमाज खत्म, देखो फिर भी दान करता हूँ। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दरगाह की ज़ियारत कर ली होगी। अब इधर से सिलसिला रिफाई चालू होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी रिफाई खेली जाएगी। तो क्या कैसा माहौल है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। Go down.
संदल की रात है, शेर को पहुंचो। जितने भी पीरी मुरीदी वाले हैं, इश्क एक तरफ तो सजा देता है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बस इसी तरह आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करिए, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़ल मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक लाता रहूंगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं लौटूंगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा।